देश में 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव है। इस बार देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर हर किसी की निगाहें हैं। पार्टी भीतरी कलह और उथल पुथल से जूझ रही है, तो वहीं अलग अलग राज्यों से जहां से कांग्रेस के उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है, वहां ज्यादातर जगहों पर सीट एक और उम्मीदवार अनेक वाली स्थिति बनी हुई है। हाल ही में कांग्रेस युवाओं को मौका देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जता चुकी है, तो वहीं पुराने दिग्गज चेहरों को भी राज्यसभा भेजने का पार्टी पर दबाव है। इस धर्म संकट के बीच कैसे बाहर निकलेगी कांग्रेस और कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। कांग्रेस में केंद्रीय स्तर की बात करें या राज्य स्तर की, हर जगह पार्टी का जनाधार खिसक रहा है, तो वहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए गांधी परिवार सक्रिय नजर भी आ रहा है। इसी बीच हाल ही में राजस्थान में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चिंतन मंथन किया और संगठन को मजबूत करने पर काम करने का फैसला लिया। पार्टी यूं तो साल 2024 के लिए तैयारी कर रखी है, लेकिन इसी बीच राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव भी सामने हैं, जिसमें कांग्रेस के 9 उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रखी है। लेकिन कांग्रेस के सामने यहां उम्मीदवारों का चयन एक बड़ी चुनौती है। पार्टी में उम्मीदवारों की स्थिति एक अनार और 100 बीमार जैसी है। पार्टी ने हाल ही में उदयपुर चिंतन शिविर में 50% सीटें युवाओं को देने का ऐलान किया था, तो दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा भेजने का दबाव भी है। ऐसे में कांग्रेस अपने सीनियर नेताओं और नई पीढ़ी के बीच संतुलन बनाने की उलझन में फंसी दिखाई पड़ रही है। राज्यसभा में कांग्रेस की 8 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी जैसे नेता शामिल हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, राज बब्बर, कुमारी सैलजा, संजय निरुपम, राजीव शुक्ला जैसे कांग्रेस से वरिष्ठ नेता उच्च सदन में जाने के इंतजार में हैं। इनमें से एक बार फिर पी चिदम्बरम को उच्च सदन जाने का मौका मिल सकता है। इस बार महाराष्ट्र की जगह अपने गृह राज्य तमिलनाडु से राज्यसभा पहुंच सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस डीएमके के बीच हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एक राज्यसभा सीट कांग्रेस को देने की बात हुई थी, लेकिन इस सीट पर चिदम्बरम के अलावा कांग्रेस के डाटा एनालिसिस विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती भी दावेदार माने जा रहे हैं, जो कि राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में चक्रवर्ती और चिदम्बरम के बीच किसे कांग्रेस चुनेगी अभी साफ नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस की पक्की है, तो 1 सीट पर मुकाबला होगा। ऐसे में कांग्रेस को मिलने वाली 1 सीट पर जयराम रमेश की वापसी हो सकती है। इसके अलावा लिस्ट में और भी कई बड़े चेहरे हैं। राजस्थान के 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, जिनमें से कांग्रेस 3 सीटों पर जीत सकती है, 2 सीटें पक्की हैं, तीसरी सीट निर्दलीय विधायकों को साथ कर जीती जा सकती है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। कांग्रेस को तमाम सियासी समीकरणों को साधना होगा। पुराने दिग्गजों और नए नेताओं के बीच दावेदारी की रस्सा कसी भी सबसे ज्यादा यही है। कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे की अगुवाई करने वाले नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को फिर से राज्यसभा भेजने का दबाव है, तो अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला के नाम की चर्चा भी चल रही है। लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेगा, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें एक ही कांग्रेस के हिस्से आ सकती है, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस धर्म संकट में नजर आ रही है। विवेक तनखा G23 ग्रुप में शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एकमात्र कश्मीरी पंडित भी हैं। ऐसे में फिलहाल कश्मीरी पंडितों पर हो रही राजनीति को देखते हुए एक बार फिर तनखा को मौका मिल सकता है, लेकिन अगले साल चुनाव को देखते हुए अरुण यादव भी लाइन में हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस की पक्की मानी जा रही है। यहां भी साल के आखिर में चुनाव है। ऐसे में बागी तेवर दिखाने वाले ब्राह्मण चेहरे आनंद शर्मा को फिर से हिमाचल से उच्च सदन भेजने का पार्टी पर दबाव है, लेकिन पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ल भी इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन इस रस्सा कसी में किसके नाम पर मोहर लगेगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं हरियाणा से
एक सीट कांग्रेस को राज्यसभा में मिल सकती है। कांग्रेस की ओर से कुमारी सैलजा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने के बाद राज्यसभा के दावेदारों में सबसे आगे हैं, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा किसी ब्राह्मण नेता को भेजने के पक्ष में हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आनंद शर्मा अगर हिमाचल से नहीं तो G23 के साथ ही शर्मा का हरियाणा से हुड्डा समर्थन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस दो सीटों पर अपना राज्यसभा सदस्य जिता सकती है। ऐसे में दो सीटों में से एक सीट पर हाईकमान जहां केंद्रीय सियासत के हिसाब से फैसला करेगी, तो वहीं दूसरी सीट सूबे के किसी दूसरे नेता को दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस किसी एक अपने राष्ट्रीय नेता को सदन में भेज सकती है। महाराष्ट्र से कांग्रेस की एक राज्यसभा सीट पक्की है, लेकिन उस सीट पर कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। इस सीट के लिए मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम से लेकर कई दावेदार हैं। यूपी, बिहार और पंजाब से कांग्रेस से कोई राज्यसभा सदस्य नहीं जा सकता, इसलिए इन राज्यों से आने वाले कई बड़े नेताओं को मायूस होना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।